छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 17वें दिन बुधवार को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने 30 वर्षों पूर्व साडा द्वारा आवंटित 300 भूखंडों का मामला उठाया। प्रश्न का उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि ये 30 वर्ष पुरानी समस्या है। शिकायत मिलने पर शिकायत के संबंध में जांच समिति का गठन किया गया था, जिसका उत्तर ये था कि इन भूखंडों का आवंटन नियमों के अनुसार नहीं किया गया। कलेक्टर इस संबंध में जांच करके इसका निराकरण करेंगे। आज भिलाई नगर निगम के अंतर्गत एक बड़ा मामला जो 30 सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, साडा जब थी नगर निगम बनने से पहले, तो उस समय 300 लोगों को जमीन आवंटित साडा ने किया। उसके बाद एक शिकायत पत्र आता है आयुक्त के पास कि ये जो है कम दर पे बेचा गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच इतनी लंबी हुई कि 10 से 15 साल लग गए, उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में जब कोई भी कोर्ट चले जाते थे कि भाई मैंने रजिस्ट्री, साडा ने मुझे बेचा है और मेरी रजिस्ट्री होनी चाहिए और मुझे इसका मालिकाना हक मिलना चाहिए, तो कोर्ट निर्णय दे देते हैं उन सभी लोगों को, ऐसे 40 लोगों को। एक जांच समिति बनती है मध्य प्रदेश के समय में, उसमें ये कहा गया कि इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है और सभी को मालिकाना हक मिलना चाहिए। उस समिति के निर्णय आने के बावजूद भी लगातार जो है उस काम को पेंडिंग किया गया। उसके बाद ये तय हुआ कि कलेक्टर इसका निराकरण करेंगे। उस दिन से लेके आज दिनांक तक 18 कलेक्टर बन गए, बदल दिए गए, लेकिन किसी भी कलेक्टर ने इच्छा शक्ति इस केस को निपटारा करने के लिए नहीं किया। इससे नुकसान ये हो रहा है कि नगर निगम में वो जो 300 प्लॉट वाले तो अपना मकान बना लिए, अपना दुकान बना लिए, लेकिन वो नगर निगम में रेवेन्यू जमा नहीं करते हैं। नगर निगम का राजस्व का नुकसान लगातार हो रहा है और इसके साथ में भवन अनुज्ञा, BCC और NOC जो कोर्ट में चले गए हैं उनको मिल रहा है और बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा प्रकरण आज मैंने विधानसभा में उठाया है और मंत्री जी से मैंने निवेदन किया है, क्योंकि जनता के हित में लेने वाला निर्णय है तो इसको तत्काल लिया जाए। तो उन्होंने कलेक्टर को अधिकृत कर दिए हैं, अब किसी को कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को राज्य शासन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो कलेक्टर है जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे और मुझे लगता है आज भिलाई के इतिहास पे, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने मैनोफेस्टो में आज 30 वर्षों से ये बात को लिखते आए हैं कि जब भी सरकार आएगी तो हम जो है इसका निराकरण करेंगे, लेकिन निराकरण जो है 28 फरवरी का ये दिन विधानसभा में इतिहास लिखा गया और आज इसका निराकरण पहली बार हुआ है जो कलेक्टर को अधिकृत किया गया। मैं इसके लिए भिलाई की जनता को धन्यवाद देता हूं और आज मंत्री जी ने जो ये घोषणा की है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं।